Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends. दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सभी टाइप्स ऑफ लेजर्स जो हमने चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर पढ़े हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स में हमने नेमली तीन लेजर्स देखे हैं, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर एंड लाइबिलिटी लेजर। इनके रिस्पेक्टिव रूल्स के साथ में और सेक्शन 49 के साथ में सभी सब सेक्शंस को कवर करते हुए हमने इन तीनों लेजर्स को समझा है। इस वीडियो के अंदर मैंने स्पेशली ये वीडियो इसलिए बनाया है, हम इसमें देखेंगे तीनों लेजर्स का एक समरी और एक एग्जाम्पल देखेंगे और सब जगह एंट्रीज कैसे पोस्ट होती है उसको हम समझने वाले हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ लेजर्स। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ लेजर्स, थ्री लेजर्स एज पर पेमेंट ऑफ टैक्स सेक्शन 49 एंड रिस्पेक्टिव रूल्स, लेट्स सी। सो दोस्तों तीनों ही लेजर्स की अगर हम बात करें, चाहे वो लाइबिलिटी लेजर हो, क्रेडिट लेजर हो या फिर कैश लेजर हो, सो इन तीनों का ही कोई ना कोई मकसद है या फिर पर्पस है। और वो पर्पस क्या है, वो पर्सन जब भी ऑनलाइन पोर्टल पर जाएगा तो उसको पूरा यहाँ पर उसका करंट स्टेटस दिखना चाहिए। करंट स्टेटस से मतलब क्या है कि उसका कितना पैसा अभी गवर्नमेंट के पास में डिपॉजिट किया हुआ है वो उसको दिखना चाहिए, वो कितना पेमेंट ऑलरेडी कर चुका है वो दिखना चाहिए, कितना पेमेंट उसे और करना है वो भी उसे पता चलना चाहिए। इनफैक्ट इतना ही नहीं, उसके पास में कितना क्रेडिट रखा हुआ है, कैश बैलेंस कितना है, ये सब चीज़ें उसको अपने पोर्टल पर दिखना चाहिए। और इन सब के अकाउंटिंग एक ही तरीके से पॉसिबल है कि तीनों के हम अलग अलग लेजर्स बनाएं और हर लेजर में अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एंट्रीज पोस्ट की जाए। उन तीनों लेजर्स को क्रिएट किया गया, ऑनलाइन है इसलिए उनको इलेक्ट्रॉनिक बोला गया और इलेक्ट्रॉनिक बोलने के साथ में तीन रूल्स इनके लिए बनाए गए, लाइबिलिटी के लिए 85, क्रेडिट के लिए 86 एंड कैश के लिए 87। और इन तीनों रूल्स के साथ में जो सेक्शन रन कर रहा है वो है सेक्शन नंबर 49। उसमें सभी सब सेक्शंस जो है वो इन्हीं के साथ में डील कर रहे हैं, लायबिलिटी, क्रेडिट और कैश, वो हमने रिस्पेक्टिव वीडियो में देखा है। आइए सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तीनों ही लेजर्स को एक साथ में और हम देखेंगे कि तीनों में कौन कौन सी एंट्रीज पोस्ट की जाती है इन देयर डेबिट एंड क्रेडिट रिस्पेक्टिवली। तो वो हम एक एक लेजर को क्लियर करेंगे, उसके बाद में वी विल रन थ्रू एन एग्जाम्पल क्विकली। उस एग्जाम्पल में हम प्रॉपर तरीके से क्रिएट करेंगे क्या लाइबिलिटी है, कितना उसने पेमेंट किया है, कितना उसके पास में ITC है, एट लास्ट हो क्या रहा है उसको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले लाइबिलिटी लेजर। अब देखिए लाइबिलिटी लेजर मैं आपको सबसे पहले क्या ख्याल में आता है, सो लाइबिलिटी लेजर हम देखते हैं सबसे पहले। अब लाइबिलिटी लेजर में हमको सबसे पहले ये हिट होता है कि यहाँ पर हमारी सभी लाइबिलिटीज़ को हमें अकाउंट करना पड़ेगा। लाइबिलिटीज़ अकाउंट हमें अगर करनी है तो ऑब्वियसली डेबिट साइड को इंक्रीज करना होगा, लाइबिलिटी अकाउंट है तो डेबिट में क्या होगा, ऑल लाइबिलिटीज़ होगी, चाहे वो लाइबिलिटीज़ टैक्स से रिलेटेड हो या फिर अदर ड्यू से रिलेटेड हो। और इसमें हमने देखा था जो आपने रिटर्न में लाइबिलिटीज़ दी है वो, या फिर जो आपके PO ने बताई है प्रोसीडिंग्स के हिसाब से, रिकवरी के हिसाब से, वो भी यहाँ पर मेंशन की जाएगी इन योर लाइबिलिटी लेजर। इन शॉर्ट रजिस्टर्ड पर्सन जैसी पोर्टल पर जाएगा उसको अपनी सारी लाइबिलिटीज़ वहाँ पर दिख जाएगी, जितनी भी लाइबिलिटीज़ उसको लगती है जो रिटर्न के हिसाब से अभी तक अनपेड है, जो PO ने प्रोसीडिंग्स में डिमांड करी है या फिर कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट है जो टाइम टू टाइम चार्ज किया जा रहा है, वो सब यहाँ पर दिखेगा। और इन लाइबिलिटीज़ का जो पेमेंट है वो जब भी हम करेंगे तो क्रेडिट करते जाएंगे, मतलब हम लाइबिलिटीज़ को कम करते जाएंगे, वो हम कैसे करेंगे, दो ही तरीके हैं, कैश या फिर क्रेडिट। कैश लेजर में जैसे ही मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा कोई अमाउंट तो मुझे कैश लेजर को पहले देखना होगा और मुझे क्रेडिट लेजर को देखना होगा। तो आइए पहले देखते हैं इन दोनों लेजर को, उनको हम कनेक्ट करेंगे लाइबिलिटी लेजर के साथ में। तो पहले हम देखने वाले हैं क्रेडिट लेजर। अब देखिए लाइबिलिटी को जैसे हमने देखा था तो लाइबिलिटीज़ हमको याद आई थी, क्रेडिट को जैसे ही हम देखेंगे आपको हमेशा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट याद आना चाहिए। तो जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन ऑनलाइन जाके अपना पोर्टल खोलता है तो उसको वहाँ पर दिखना चाहिए कि अभी तक उसके पास में कितना क्रेडिट रखा हुआ है, इनपुट क्रेडिट जितना रखा हुआ है और उसमें से यूटिलाइज कितना हुआ है वो भी दिखना चाहिए। तो क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, उसको इंक्रीज करना होगा। सो क्रेडिट में सेल्फ असिस्ट ITC जो भी होगा, सेल्फ असिस्ट क्यों बोला गया है, पर्सन खुद रिटर्न भरता है, अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी डालता है, ITC डालता है और पेमेंट कर देता है, तो उसे सेल्फ असिस्ड ही कहा जाएगा, GST में यही सिस्टम है। तो सेल्फ असिस्ड ITC क्रेडिट लेजर में क्रेडिट साइड में दिखता है।
अब मुझे इस क्रेडिट को आईटीसी को यूज़ करना है तो मैं उसको यूज़ करूँगा और इस लेजर को डेबिट करूँगा। बट हमें अच्छे से पता है कि ये जो क्रेडिट लेजर है इसका सिर्फ और सिर्फ यूसेज हो सकता है ओनली फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स ओनली, सिर्फ उसी के पेमेंट के लिए मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा। बट हमें अच्छे से पता है कि ये जो क्रेडिट का अमाउंट है आईटीसी वो हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं हमारा पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स ओनली, और इसीलिए ये जो क्रेडिट का हमने यूज़ किया है पेमेंट के लिए वो यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका सेकंड इफेक्ट जा रहा है यहाँ पे, जो हम क्रेडिट लेजर को यहाँ पर डेबिट करके लायबिलिटी लेजर में क्रेडिट कर रहे हैं। मींस हमने लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए क्रेडिट का बैलेंस हमने यूज़ किया है। एग्जाम्पल में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम कैश लेजर पे। तो क्रेडिट में आईटीसी की बात हो गई, लायबिलिटी में लायबिलिटी की बात हो गई, उनके पेमेंट की बात हो गई। कैश लेजर क्या है? जैसे बैंक अकाउंट हमको हमारा स्टेटमेंट देती है, अकाउंट दिखाती है, हमने कुछ डिपॉजिट किया तो क्रेडिट में जाता है, हमने कुछ पैसे निकाले तो डेबिट में जाता है। उसी तरीके से आप गवर्नमेंट को जो भी अमाउंट डिपॉजिट करते जाते हैं वो सभी डिपॉजिट्स रिफ्लेक्ट होते हैं आपके कैश लेजर के क्रेडिट साइड में, जितने भी डिपॉजिट्स आपने किए हैं। और उसके साथ में अगर TDS और TCS भी अगर आपने कुछ क्लेम किया है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखता है। अब इस पैसे को जो आपने डिपॉजिट किए हैं गवर्नमेंट उसको यूज़ करती है आपके लायबिलिटी के पेमेंट के लिए। तो ये जो डिपॉजिट है कैश का डिपॉजिट वो किसी भी पेमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अनलाइक क्रेडिट वो सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए होता है, ये फॉर एनी टाइप ऑफ ड्यूज के लिए आप कैश अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं जो आप गवर्नमेंट के साथ में ऑलरेडी डिपॉजिट करवा चुके हैं। सो यहाँ पर कैश और क्रेडिट में जो डिफरेंस है वो यही है, क्रेडिट सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए यूज़ होता है और कैश किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। बट कुछ आइटम ऐसे हैं जिनको हमें सिर्फ कैश से ही पेमेंट करना होता है, जैसे जो सेक्शन 10 का पर्सन है उसके पास आईटीसी तो होता नहीं है तो वो कैश से पेमेंट करेगा। रिवर्स चार्ज की अगर आपके पास लाइबिलिटी इतनी है तो आपको कैश से पेमेंट करना होगा। इतना ही नहीं, आपको कोई TDS या फिर TCS का पेमेंट है तो वो भी आपको कैश से करना होगा। और अदर आउटपुट तो जितने हैं वो तो आपको कैश से करना ही है। अदर आउटपुट में क्या आता है? इंटरेस्ट है, पेनल्टीज़ है, फीस है, अदर अमाउंट्स है, ये सब आपको कैश से ही पेमेंट करना होगा। तो ये ऑन अ सिंगल पेज हमने लायबिलिटी, क्रेडिट और कैश को समझ लिया है। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। इन सबको हम इसी फॉर्मेट में मैं आपको फिगर्स प्लेस करके आपको यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले देखते हैं क्वेश्चन, फिर उसको करते हैं हम सॉल्व। अब दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल जो हम लेने वाले हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे आउटवर्ड सप्लाईज। अब आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है? ये मेरी लाइबिलिटीज हुई, मतलब मैंने इतना माल सप्लाई किया है, इतने के गुड्स मैंने, सर्विसेज मैंने बेचे हैं, उसके ऊपर इस वैल्यू के ऊपर मैंने इस रेट के हिसाब से इतना CGST, SGST और IGST मैंने कलेक्ट किया है। सो ये अमाउंट है जो मैंने कलेक्ट किया है और ये अमाउंट मुझे आगे गवर्नमेंट को पे करना है, तो ये मेरी हुई लाइबिलिटी। अब ये जो लाइबिलिटी है उसमें सिंगल सप्लाई नहीं है, एक ही रेट की सप्लाई नहीं है, अलग अलग परसेंटेज यहाँ पर दिए गए हैं, 12%, 12%, 18% और 5%। सप्लाई 1, सप्लाई 2, सप्लाई 3 एंड सप्लाई 4। 3 लाख का किया, उस पर 12% आया, तो यहाँ पर 18,000 रुपये CGST और SGST, मतलब ये है मेरी इंटरेस्ट रेट। सप्लाई 2 2 लाख का किया मैंने, टोटल 24,000 का टैक्स बनता है, 12,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये वापस हो गया मेरा इंटरेस्ट रेट क्योंकि ये दोनों निल है। सप्लाई 3 1 लाख रुपए का किया मैंने, 18% का रेट है, पूरा 18,000 गया IGST में, मतलब क्लियरली ये मेरी इंटर स्टेट है। और सप्लाई 4 जो है वो है मेरी सिर्फ 50,000 रुपीज़ की, 0.50 लाख यहाँ पर लिखा हुआ है, 5% के हिसाब से है तो 2,500 रुपये को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है CGST और SGST में, तो ये भी मेरी इंट्रा स्टेट हो गई। तो ये इस हिसाब से मैंने किया, ये सर्विसेज हो सकता है 5% पर, तो ये मेरी 4 सप्लाईज हैं। सो इस तरीके से मेरा ये CGST, SGST, IGST की टोटल लाइबिलिटीज़ हो गई। अगर मैं टोटल देखूं तो CGST की 31,250 की, SGST की 31,250 की एंड IGST इज़ फॉर 18,000। ये मेरा टोटल लाइबिलिटी है जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। तो अब मुझे इन फिगर्स को पोस्ट करना होगा, मतलब कि मुझे इन फिगर्स को डालना पड़ेगा मेरे लायबिलिटी लेजर के अंदर, लायबिलिटी मेरी इससे इंक्रीज होगी। तो इन 3 फिगर्स को आप ध्यान रखिए। अभी हमने सिर्फ देखा आउटवर्ड सप्लाईज,
अब हम देखेंगे इनवर्ड सप्लाईज। तो इनवर्ड सप्लाईज का मतलब क्या है कि मैंने इनपुट लिया है, मतलब उसमें जो मैंने टैक्स पे किया है वो मेरा क्रेडिट है, तो वो मेरे क्रेडिट लेजर को हिट करेगा, तो वो अमाउंट भी ज़रूरी है मेरे पास में। आइए देखते हैं। देखिए ये इनवर्ड सप्लाईज मुझे दिए गए हैं, ये मैं क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा ITC पता करना है। जितना मेरा इनपुट टैक्स यहाँ पर होगा वो मेरा ITC होगा और वो क्रेडिट मेरे पास में अवेलेबल है। नाउ मैं क्रेडिट किस हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ वो अलग बात है। क्यों? क्योंकि जो हमने मैनर पढ़ा है, एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है मैंने ITC का, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, जहाँ पर हमने एक मदर की, एक डॉटर की और साथ में एक सन की स्टोरी हमने समझी है। किस तरीके से हमने उनको याद किया है कि IGST पहले CGST में यूज़ होगा, फिर SGST में होगा। IGST, CGST, SGST सब अपने अपने लिए पहले यूज़ करेंगे, और हमने सैलरी का एग्जांपल लिया था और उस स्टोरी से हमने समझा है। तो आप रिस्पेक्टिव वीडियो जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो एक अलग सिनेरियो है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेजर में कैसे पोस्टिंग होगी वो हम देखते हैं। सो यहाँ पर सप्लाई चार थी और यहाँ पर हमारे पास जो इनवर्ड है वो तीन है। इनवर्ड सप्लाई तीन है, आउटवर्ड सप्लाई हमारे पास में चार थी जो हमने लास्ट शीट में देखी है। 1,00,000, 2,00,000, 10,000 रुपये, 12%, 12%, 18%। एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी गलती से पेपर में आप ऐसा मत सोचिएगा कि 12% का आउटवर्ड सप्लाई है और 12% का इनवर्ड सप्लाई है, तो कोई परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। 12-12 से ही सेट ऑफ होगा ऐसा नहीं है, 18-12 से सेट ऑफ हो सकता है, 10-12 से सेट ऑफ हो सकता है। मींस परसेंटेज ऑफ रेट से आपको मतलब नहीं है, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपको सिर्फ अमाउंट निकालने के लिए है। तो 12,000 टोटल बनता है, 6,000 ये है इंटरेस्ट रेट, 2,00,000 पे 12%, 24,000 पूरा इंटरेस्ट रेट है, और ये 10,000 है 18% के ऊपर, तो 900 रुपए का मेरा इंटरेस्ट रेट फिर से हो जाता है। इस तरीके से मैं टोटल अगर देखूं किस चीज़ का, ये मेरा ITC का टोटल होगा। मेरे पास क्रेडिट अवेलेबल है CGST का 6,900, SGST का 6,900 और IGST का 24,000। अब मेरे पास टोटल फिगर है आउटसाइड जो मैंने सप्लाई करी है उसका, आउटवर्ड का और इनवर्ड का भी मेरे पास में टोटल है जो ITC है। इन टोटल्स को हम एक पेज पे लिख लेते हैं, हम उनको पोस्ट करने की कोशिश करते हैं हमारे लेजर्स के अंदर। आइए देखते हैं, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है, प्रिपेयर एंट्रीज फॉर ऑल दी लेजर्स। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि बैलेंस कहाँ पर आ रहा है, रिफंड कुछ आ रहा है क्या, कैश से मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है क्या, उसको हम देखते हैं। लेट्स सी। तो दोस्तों हमारे पास में टोटल यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम देखते हैं कि हम क्रेडिट कैसे यूज कर सकते हैं और हमारे बिल्कुल उसी मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन को हम फॉलो करेंगे। कौन किसके खिलाफ यूज कर सकता है उसको ध्यान में रखना जरूरी है। तो हमारे पास में आउटवर्ड लायबिलिटी है और हमारे पास में इनवर्ड लायबिलिटी भी है, या फिर इनवर्ड सप्लाईज के ऊपर जो मैंने टैक्स किया है जिसे हम ITC कहते हैं वो भी हमारे पास में अवेलेबल है। यहां पर हम लिख लेते हैं CGST। हमेशा ध्यान रखिएगा सभी टैक्सेस के लिए अलग अलग ही कैलकुलेशन करिएगा, आप एक साथ टोटल अमाउंट मत बनाइएगा, आपको उससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो CGST का आउटवर्ड लायबिलिटी अगर हम बात करें, 31,250 और IGST का लायबिलिटी है 18,000। अब इनके अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं इनवर्ड सप्लाईज की, तो हमारे पास में ITC कितना अवेलेबल है, CGST के लिए है 6,900, इसके लिए भी है 6,900 और IGST के लिए मेरे पास अवेलेबल है 24,000। सो फर्स्ट लेवल तो मैं यहाँ पर क्लियर कर सकता हूँ, मेरी पूरी की पूरी लायबिलिटी 18,000 की क्या यूज़ हो सकती है ITC के खिलाफ? यस, ये पूरा एग्जॉस्ट होने के बाद में मेरा कुछ भी लायबिलिटी नहीं बचता है ऑफ IGST। IGST बिल्कुल भी नहीं है तो मेरे पास में स्टिल 24,000 में से 18,000 गया, 6,000 बचा हुआ है। पहले हम इन दोनों को रिस्पेक्टिवली यूज करते हैं, फिर 6,000 को हम यूज करेंगे। सो इन दोनों को, इनके रिस्पेक्टिव क्रेडिट को यूज करने के बाद में आउट ऑफ 31,250 मेरी लायबिलिटी अभी भी बचती है 24,350 की, और यहां पर ही बचती है 24,350 की। नाउ एज पर आर स्टोरी एंड एज पर द रूल्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, अगर IGST का कोई भी बैलेंस बचता है क्रेडिट का, तो वो पहले यूज होगा फॉर CGST, उसके बाद में अगर कुछ बचता है तो वो होगा SGST। हमारी स्टोरी के हिसाब से IGST बेटा है, CGST माँ है और SGST वाइफ है, तीनों सैलरी कमाते हैं,
जो भी सेविंग्स होती है वो सेविंग्स मैंने क्यों बोला है, क्योंकि पहले तो पर्सन अपने ऊपर खर्च करेगा, तो IGST IGST के लिए, SGST SGST के लिए और CG के लिए अपने अपने क्रेडिट यूज़ कर लो। उसके बाद में अगर बेटे की कोई भी सैलरी बचती है, क्रेडिट है, तो पहले वो माँ को देगा और फिर वाइफ को देगा। इस हिसाब से 18,000 हैज़ बीन यूज्ड आउट ऑफ 24,000, सो स्टिल 6,000 इज रिमेनिंग। पूरे के पूरे 6,000 रुपये मैं पहले यूज़ करूँगा CGST के अगेंस्ट, तो स्टिल 6,000 पूरे हटाने के बाद में मेरे पास लाइबिलिटी मेरी आएगी, और 6,000 पूरे एग्जॉस्ट हो गए तो इन यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं बचा है, तो यहाँ पर मेरी जो टोटल रहेगी लाइबिलिटी वो 24,350 की ही रहेगी, और 6,000 हटाने के बाद में ये लाइबिलिटी मेरी हो जाएगी 18,350 की। सो मेरे पास में अभी फाइनली क्या समझ में आ गया है हमको, दैट टोटल लाइबिलिटी हमारी ये थी। लाइबिलिटी में हमने क्रेडिट यूज़ किया, क्रेडिट यूज़ करने के बाद में हमें समझ में आया कि हमें इतना कैश की ज़रूरत और पड़ेगी, तो ये मुझे कैश से पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास इतना क्रेडिट नहीं रखा हुआ है। तो हमारे पास में कैश लेजर के लिए अमाउंट है, क्रेडिट लेजर के लिए अमाउंट है और लाइबिलिटी लेजर के लिए भी अमाउंट है। चलिए इन सब हम अमाउंट्स को पोस्ट करते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले हमारे पास में है लाइबिलिटी लेजर। लाइबिलिटी में आप आपकी लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करिए और डेबिट में उसको हिट करिए, तो सबकी लाइबिलिटीज़ हम अलग अलग डालेंगे, CGST SGST एंड IGST, तीनों की लाइबिलिटीज़ हमारे पास में थी स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो तो 31,250 एंड IGST की जो लाइबिलिटी थी दैट वॉज 18,000। अब ये मेरी लाइबिलिटी है, इस लाइबिलिटी को मुझे कम करना है, सो इन लाइबिलिटी को कम करने के लिए मैं पहले यूज़ करता हूँ क्रेडिट को। तो चलिए क्रेडिट लेजर तो हमारा खाली पड़ा हुआ है, तो क्रेडिट भी इनवर्ड सप्लाईज से हमारे पास में था, तो मेरा जो भी क्रेडिट है ITC ऑफ माय CGST SGST एंड IGST मैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लूँगा सबसे पहले। तो वो मेरा कितना था, 6,900 एंड 24,000। अब ये पूरा क्रेडिट मुझे यूज़ करना है मेरी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, मतलब मैं पूरा ये जो अमाउंट है इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा टू माय इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। ये पूरा अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र होके मेरे पास आ जाएगा टू माय लायबिलिटी लेजर अकाउंट। तो मैं क्लियरली इन सब अमाउंट्स को मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकता हूँ, जिससे मेरा CGST 6,900 से कम हो जाएगा, SGST 6,900 से कम हो जाएगा एंड IGST 18,000 पूरा 18,000 एग्जॉस्ट हो जाएगा और 6,000 और बचा हुआ रहेगा। सो पहले मैंने लायबिलिटी रिकॉर्ड करी, मैंने ITC रिकॉर्ड किया, ITC को मैंने यूज़ करने के लिए लायबिलिटी में ट्रांसफ़र किया ताकि मैं डिस्चार्ज कर सकूँ क्रेडिट को यूज़ करके। सो यहाँ पर लायबिलिटी लेजर के अंदर मेरा क्रेडिट साइड में एंट्री कैसे होगी, ये होगी क्रेडिट लेजर के नाम से, क्योंकि क्रेडिट लेजर से पैसा आया है। कितना आया है, 6,900 प्लस 18,000 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि उतना ही मैं सिर्फ ट्रांसफ़र करूँगा। अब इसके बाद भी जो हमने कैश का बैलेंस निकाला था आपको याद हो तो, ये तो पूरा नहीं गया है, 6,900 से कम हुआ है, ये भी 6,900 से कम हुआ है और ये 18,000 से पूरा चले गया है। अब यहाँ पर आपको प्लस करके एक और अमाउंट लिखना रहेगा 6,000 का, क्योंकि 24,000 पूरा ट्रांसफ़र करोगे आप, तो यहाँ पर 6,000 ट्रांसफ़र करने के बाद में आपकी स्टिल CGST का पेमेंट आपको करना रहता था जो लास्ट में हमने देखा है 18,350 का, और आपको SGST का जो पेमेंट करना रहेगा वो करना रहेगा पूरा 24,350 का। सो आपको इस अमाउंट की अभी कैश से पेमेंट करने की ज़रूरत है, क्रेडिट को यूज़ कर लिया उसके बाद में भी इतना अमाउंट कैश का बचता है, तो ये आपकी एंट्री कैसे होगी, कैश लेजर के थ्रू। इसका क्रेडिट है तो यहाँ पर डेबिट इफेक्ट आएगा ऑब्वियसली, मीन्स आपको CGST का पेमेंट करना है 18,350 का और SGST का आपको पेमेंट करना है 24,350 का, ये आपको पेमेंट ऑलरेडी करना है। अब चलिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपने कुछ अमाउंट ऑलरेडी गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिए हैं, तो वो अमाउंट कितना डिपॉजिट किया है आपने, लेट्स से 50,000 और भी आपने इसका 30,000 कर दिया होगा,
तो आपने इतना अमाउंट तो ऑलरेडी आपने गवर्नमेंट के पास में डिपॉजिट करा हुआ है, मतलब आपने टोटल 130,000 रुपये आपने गवर्नमेंट को दिया हुआ है, बट आपकी जो लाइबिलिटी है वो तो सिर्फ कितनी निकल रही है, 18+24, तो जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा उसका क्या होगा, वो या तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा या फिर वो चले जाएगा रिफंड में। इस तरीके से पूरे क्वेश्चन में हमने पहले लाइबिलिटीज़ को प्लॉट किया, ITC को प्लॉट किया। सबसे पहले लाइबिलिटीज़ को कम करने के लिए ITC का अमाउंट हमने यूज़ किया मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन के तरीके से, बचा हुआ अमाउंट कैश से हमको देना पड़ेगा तो फिर हमने कैश को यहाँ पर प्लॉट किया। मतलब कि अगर आप सीक्वेंस की बात करें, फर्स्ट सेट हमने ये एंट्री करी, दूसरा हमने ये किया, तीसरा हमने ये इफ़ेक्ट लिया, चौथा हमने ये इफ़ेक्ट लिया और लास्ट में हमने ये रिफंड का कैलकुलेशन लिया जो बचा हुआ है। इस तरीके से तीनों लेजर्स में हमने देखा कि कैश पेमेंट का जो लाइबिलिटी आई है अगर उससे ज़्यादा मैंने डिपॉजिट कर रखा है तो रिफ़ंड है, अगर उससे कम कर रखा है तो मुझे और लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए आ जाएगा कि कैश की लाइबिलिटी ज़्यादा है। अभी यहाँ पर क्रेडिट ज़्यादा था तो बचा हुआ अमाउंट मुझे रिफ़ंड हो जाएगा, सीधी सी बात है। इस तरीके से पूरे वीडियो के अंदर हमने पहले आपको बताया कि तीनों लेजर्स का नेचर क्या है, तीनों में एंट्रीज जाती क्या क्या है, फिर हमने एग्जांपल लिया, आउटवर्ड रखा, इनवर्ड रखा, मैनर करा, यूटिलाइजेशन का समझा, बचा हुआ कैश यूज करके पेमेंट कर दिया, तीनों लेजर्स में हमने पोस्टिंग भी देख ली है। सो दोस्तों इस तरीके से पूरे वीडियो में हमने समरी ऑफ ऑल लेजर्स देख लिया है, साथ में हमने एग्जाम्पल भी देख लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस वीडियो के साथ में हमारे तीनों टाइप्स के लेजर हमने कवर कर लिए हैं, एग्जांपल से हमने देख लिया है, सेक्शन 49 हम पुराने वीडियोस में देख चुके हैं, सेक्शन 50 पेनल्टी भी हम कवर कर चुके हैं। तो हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पर ही खत्म होगा, कुछ नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में हम समरी पूरे चैप्टर का एक वीडियो बनाएंगे और क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ में भी हम देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो ई कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।